राजपूतर भूमित ईवीएमत बंदी बीजेपी कांग्रेसर भविष्य अंत परिल राजस्थान भोटग्रहण प्रक्रिया 1863 प्रार्थी भाग्य निर्णय करिबो 5,26,00,000 भोटारे शांतिपूर्ण 199 समस्त भोटदान निर्वाचन बतास जिमान गरम आमने शांतिपूर्ण राजस्थान अनुषित हो गल भोटग्रहण प्रक्रिया यार राजस्थान निर्वाचन देखल सको श्रेणी भोटारर मजद उत्साह यह उत्साह परवर्तनकामी ने शासक दल कॉग्रेस आस्था सपष्ट हम 3 डिसेम्बर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वोट डाले का, मैं 18 साल का हो गया। मैंने अपना नेता खुद चुना है और पहली बार वोट डाला है। आप सबका भी हक है वोट डालने का, आप भी वोट डालें ज़रूर से, यह आपका खुद का हक है, इसी से देश आगे बढ़ेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे देश में जारी रहे इसके लिए मैंने पहला मतदान किया है आज अपने क्षेत्र में, जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र मेरा लगता है, यहाँ मैंने मतदान। राजस्थान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाहर लगते मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्माओ निर्वाचन प्रचार अधिक समय दिया परिलक्षित होइसिल। शासनाधिष्ठित कांग्रेस सरकारक उत्खात करिबलै तुष्टिकरण राजनीतिक इश्यू हिसाबे व्यवहार करिसिल बीजेपीए। ইয়ার বিপরীতে কংগ্রেসে মোদি আর সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ইস্যু হিসাবে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু রাজস্থানের নির্বাচনী ফলাফল এতিয়াও ধূসর। ভোট গ্রহণের দিনও প্রধান দুইটা দলের মাজত অব্যাহত থাকিল মুখ সুপতি। কি মেনে আবি আপিল কি হে সবি মতদাতাওঁ সে কি ও 100% মতদান করে। ভাজপা কি সরকার বন রহি হ্যায় রাজস্থান মে। পুরা কনফিডেন্ট হুঁ কি হর চুনাব অলগ হোতা হ্যায়, হর রাজ্য অলগ হোতা হ্যায়। ইয়াহাঁ কে লোগোঁ কা জো মিজাজ হ্যায় वो रिवाज बदलने का रहेगा इस बार। पब्लिक चाहती है कि जो डिलीवर करते हैं, जो अपने बात पे कमिटेड रहते हैं, जिनकी एक विजन है, जिनकी रीति नीति लोगों को एक्सेप्टेबल है, उन दलों को उन पार्टियों को मौका मिलता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को दोबारा मौका मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब छोड़िए किसने क्या कहा, आज मतदान का दिन है, लोकतंत्र का पर्व है, सब लोग जाके अपने वोट को कास्ट करें और जो जनता का निर्णय होता है वो सही निर्णय होता है। मैं समझता हूँ उस पब्लिक से ज्यादा समझदार और संजीदा कोई नहीं है, ना नेता ना पत्रकार, तो पब्लिक पे छोड़ देना चाहिए। पब्लिक मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखेगी और भाजपा और कांग्रेस की वर्किंग को, नेताओं के आचरण को, और उस पर अपना आकलन करके मतदान करेगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की सारी स्टेट्स में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में हम जीत कर जाएंगे। उल्लेखयोग्य राजस्थान पिछत 4 राज्य अनुष्ठित हबलगिया विधानसभा निर्वाचन पिछते अनुष्ठित हब लोकसभा निर्वाचन। গতিকে এই 5 রাজ্যৰ নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বাবে সেমিফাইনেল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ডিৱাইছ 5।